देवास जिले के बागली अनुभाग के अंतर्गत आगामी दिनों में सोयाबीन की बोनी प्रारंभ हो गई है, लेकिन वर्तमान में किसानों को बोनी के लिए सोयाबीन का बीज नहीं मिल रहा है। हालांकि किसान अपने अपने स्तर पर सोयाबीन बीज की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए किसानों को भारी कीमत चुकाना पड़ रही है। तो वहीं शासन स्तर पर संस्थाओं द्वारा किसानों को सोयाबीन बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जबकि बोनी का समय काफ़ी नज़दीक आ चुका है। किसानों द्वारा सोयाबीन बोने की तैयारी पूर्ण कर ली गई है, अब सिर्फ सोयाबीन बीज की तलाश में जुटा हुआ है। गौरतलब है कि 2020 में बीमारियों के चलते देवास जिले में सोयाबीन फसल खराब हो गई थी, जिसके कारण देवास में सोयाबीन का उत्पादन नहीं हुआ था और उसी कारण सोयाबीन बीज के लिए किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। हालांकि सरकार द्वारा देवास जिले को आपदा प्रबंधन घोषित किया गया था, लेकिन बावजूद इसके सरकार द्वारा किसानों के लिए सोयाबीन बीज के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। किसानों को बीज उपलब्ध हो सके, भारतीय किसान संघ द्वारा बार बार कृषि विभाग को फोन के माध्यम से अवगत कराया कि सोसाइटियों में आप सोयाबीन का बीज उपलब्ध कराइए, लेकिन अभी तक आज 14 जून तक भी कोई सोसाइटी में एक भी दाना सोयाबीन का नहीं आया। पिछली बार ये येलो मोजेक लगने से देवास जिले की पूरी सोयाबीन पूरी तरह से चौपट हो चुकी थी, इसलिए किसानों के पास बीज बिल्कुल भी नहीं है। इस कारण किसान खंडवा, खरगोन, आगर, दूसरे जिले से बीज ला रहे हैं, लेकिन बीज की पूर्ति नहीं हो रही है और सोसाइटियों में बीज का एक भी दाना अभी तक नहीं पहुंचा है। ये पूरी जवाबदारी कृषि विभाग की होती है कि बीज उपलब्ध कराया जाए। पिछली बार ज़्यादा बारिश होने के कारण देवास जिले को आपदाग्रस्त घोषित किया जा चुका है, लेकिन फिर भी बीज की उपलब्धता अभी तक सुगम नहीं हो पाई है। क्या आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? हम आज जो DDA कार्यालय, कृषि विभाग जो कार्यालय, उसका आज हम घेराव करेंगे और बीज की मांग करेंगे। बीज आज ही उपलब्ध कराया जाए सभी सोसाइटी में। मैं आर के विश्वकर्मा, कृषि विकास अधिकारी, विकासखंड बागली में पदस्थ हूँ। हमारे जिले से शांति बीज उत्पादक जो समिति है परोठा, उसे और एक मध्य बीज उत्पादक सहकारी संस्था फतनपुर टोंक खुर्द, दोनों को 603 क्विंटल जिले के अधिकारी के द्वारा सभी 25 समितियों में सोयाबीन JS 95/60 जो उनके पास में उपलब्ध है, 603 क्विंटल का आदेश उनको दे चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके द्वारा, दोनों समितियों के द्वारा बीज सभी समितियों में नहीं भेजा गया है। हो सकता है कि अभी 2-3 दिन में ये बीज की व्यवस्था हो जाए। हाँ सर, बागली विकासखंड की बात करें तो कितने हेक्टेयर भूमि में यहाँ पर सोयाबीन की बोनी होती है क्या? अभी गत वर्ष अपने यहाँ पर 60,105 हेक्टेयर में सोयाबीन की बोनी हुई थी, मक्का की 10,000 समथिंग। टोटल एरिया अपना जो खरीफ का है वो 75 और 76,000 के बीच में हेक्टेयर में है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।